हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं आपके लिए बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेके आई हूँ। ये सेट डी का अभ्यास वन है। इससे पहले मैं ए बी सी सेट पूरा कर चुकी हूँ। प्रत्येक सेट में 10 से 12 अभ्यास है। इस प्रकार 16 से 17 सेट है, 7 से 8 हज़ार क्वेश्चन है, जिसका मैं डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। जो भी आपने नोट्स से पढ़ा है या थ्योरी सेशन पढ़ा है, उसका अपना स्कोर चेक कीजिए। दोस्तों, आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपीएलटी ग्रेड हो, एमपीटेट हो, चाहे अदर स्टेट के कोई भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम हो, चाहे केवीएस एनवीएस हो, सभी से रिलेटेड मेरे चैनल पे थ्योरी सेशन टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चंस, सभी चीजें चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चैनल पे प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर लीजिए। दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस वीडियो को पूरा देखिएगा और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों, एटीपी में पुनर्जीवन की प्रक्रिया किस एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है? तो वह होता है क्रिएटिन फास्फीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीपी संश्लेषण के लिए तत्काल उपलब्ध प्राथमिक पेशी का आधार क्या है? तो दोस्तों, जब हम ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के हमको ऊर्जा देती है, या आप सभी को ऊर्जा देती है। तो वो ग्लूकोज जो है, वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे मांसपेशियों में, यकृत में इकट्ठा रहता है। जब हम कोई कार्य करते हैं, तो जब हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वही ग्लाइकोजन पूरा ग्लूकोज में परिवर्तित होकर के हमको ऊर्जा देता है। तो एटीपी संश्लेषण के लिए तत्काल उपलब्ध प्राथमिक पेशी का आधार क्या है? तो वो क्या है? ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें ऊर्जा संश्लेषण की प्रतिक्रियाएं होती है? तो दोस्तों, कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस, आप सेल, किसे कहा जाता है? तो ऊर्जा संश्लेषण ऊर्जा बनाता है आपका माइटोकांड्रिया, वायवीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन के द्वारा। जब हृदय में अशुद्ध रक्त आता है, तो उस अशुद्ध रक्त को बाएं नीले से पल्मोनरी धमनी ले जाता है फेफड़ों में। फेफड़ों से रक्त शुद्ध होकर ऑक्सीजन ग्रहण करके, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल करके ऑक्सीजन ग्रहण करके रक्त जो है शुद्ध हो जाता है। वही शुद्ध रक्त जो है पल्मोनरी शिराओं के माध्यम से बाएं अलिंद में आता है, बाएं अलिंद से बाएं नीले में जाता है, बाएं नीले से एरोटिक वाल्व के रास्ते महाधमनी एरोटा में जाता है, महाधमनी एरोटा से समस्त शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है। और इससे क्या जाता है? ऑक्सीजन को लेकर जाने वाला कौन होता है? आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन। वह हीमोग्लोबिन पहुंचा देता है कोशिकाओं में। कोशिकाओं में पहुंचने के बाद सबसे पहले कोशिका द्रव्य में जाता है, जहां पे अवायवीय श्वसन होता है, जिसको हम कहते हैं अनएरोबिक श्वसन, ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद वहां पे 2 ATP का निर्माण होता है, फिर 2 ATP का ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में 2 ATP का निर्माण होता है। उसके बाद जाता है माइटोकांड्रिया में। माइटोकांड्रिया में जो है ग्लूकोज का पूर्व जारण होता है, और वहां पे ऊर्जा बनता है, एटीपी का निर्माण होता है, और वायवीय श्वसन के फलस्वरूप 36 ATP का निर्माण होता है। इस प्रकार कोशिकीय श्वसन में एक ग्लूकोज के जारण से 38 ATP का निर्माण होता है। तो ऊर्जा बनाने का कार्य कौन करता है? माइटोकांड्रिया। किसकी सहायता से? ऑक्सीजन की सहायता से। फिर वही एटीपी हमारे समस्त शरीर की ऊर्जा के रूप में, जहां जहां हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वहां वहां वह भेजता है। नेक्स्ट, हवा में घूमती हुई गेंद में कार्य करने वाला बल कहलाता है? तो दोस्तों, हवा में घूमती हुई गेंद में कार्य करने वाला बल मैग्नस फोर्स कहलाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है? तो वह है कान का स्टेपीज हड्डी। सबसे लंबी और भारी हड्डी कौन है? जांग की हड्डी है, फीमर। एंड सबसे मजबूत हड्डी कौन है? मैंडिबल, निचले जबड़े की।
नेक्स्ट है अस्थियों की रचना में निम्न में से किसका परसेंटेज सर्वाधिक है। तो दोस्तों अस्थियों की बनावट में, उसकी रचना में, मजबूती में सबसे ज्यादा परसेंटेज है कैल्शियम फास्फेट की, कैल्शियम और फास्फोरस की। नेक्स्ट है कपाल में अस्थियों की संख्या कुल कितनी है, कपाल यानी क्रेनियल की, कपाल या स्कल बोलेगा तो आपके कुल 29 हड्डियां हैं, स्कल बोलेगा तो कुल 29 हड्डियां हैं, क्रेनियल बोलेगा तो क्रेनियल में कुल 8 हड्डियां हैं। कपाल यानी कि स्कल में 29 हड्डियां कौन कौन है, क्रेनियल बोन जो खोपड़ी की बोन है 8 है, चेहरे में यानी फेसियल बोन 14 है, कान यानी ईयर में 6 है दोनों तरफ, तीनों का नाम है मैलिस, इनिकस, स्टेपीज, और एक कंठिका यानी हमारे कंठ में होता है हायर बोन। नेक्स्ट है वक्षीय कशेरुकाएं थोरिक्स वर्टिब्रा बनी होती हैं। तो दोस्तों वक्षीय कशेरुकाएं जो है थोरेसिक वर्टिब्रा 12 अस्थियों की बनी होती हैं। जैसे कि हमारे जो मेरुदंड यानी वर्टिब्रल कॉलम में कुल 26 हड्डियां हैं, यानी कि वयस्कों में 26 और बच्चों में 33। ये 5 भागों में डिवाइड किया गया है, सर्वाइकल बोन जिसमें 7 कशेरुका यानी 7 हड्डियों से मिलकर बना है, जिसमें से प्रथम एटलस है, दूसरा एक्सिस हड्डी है, बार बार पूछा जाता है दोनों इसलिए मैंने बताया। एंड थोरेसिक बोन जो वक्ष की हड्डी होती है वर्टिब्रल कॉलम में मेरुदंड में, वो 12 कशेरुका से मिलकर बना होता है। लंबर रीजन जो कमर कटी भाग होता है वो 5 कशेरुका से मिलकर बना होता है। और उसके बाद जब वयस्कावस्था आती है तो जो सेक्रल बोन है वो 5 मिलकर एक हो जाती है, तो 5 सेक्रल बोन होती है। एंड 4 आपका कॉक्सीजियल बोन होता है जो वयस्कावस्था में चारों मिलकर एक हो जाती है। इस प्रकार वयस्कावस्था में 26 बचती हैं जबकि बचपन में 33 होती हैं। नेक्स्ट है सैक्रम यानी त्रिकास्थी कशेरुकाएं यानी सैक्रल वर्टिब्रा बनी होती हैं। तो दोस्तों यह 5 अस्थियों से मिलकर बनी होती हैं जो लास्ट में पूंछ के समान हो जाती है हमारे पीठ के अंतिम भाग में। नेक्स्ट है कटी कशेरुकाएं यानी लंबर वर्टिब्रा की संख्या कितनी होती है। तो लंबर यानी कमर वर्टिब्रा में 5 कशेरुकाएं होती हैं। नेक्स्ट है जो अस्थि उपास्थि के प्रतिस्थापन यानी रिप्लेसमेंट से बनती हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे प्रतिस्थापन अस्थि यानी रिप्लेसमेंट बोन बोला जाता है। नेक्स्ट प्रथम बुद्धि जांच किसने विकसित किया था। दोस्तों सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया था बीने साइमन ने 1905 में। नेक्स्ट है विकास की प्रक्रिया में गैंग एज पद कब आते हैं। दोस्तों गैंग एज यानी टोली अवस्था बोला जाता है, लेटरल बाल्यावस्था, परवर्ती बचपन यानी कि किशोरावस्था के पूर्व जो 10 से 12 साल की उम्र होता है, 9, 10, 11, 12 वो टोली अवस्था, बच्चे टोली बना के रहते हैं, एक समूह बना के रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है ज्ञान यानी कॉग्निशन का संबंध है। तो दोस्तों ज्ञान कॉग्निशन का संबंध सीखने से यानी फॉर्म लर्निंग से भी है, एंड स्मृति से, मेमोरी से भी है, रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी से भी है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें कौन प्राथमिक प्रेरणा नहीं है। तो दोस्तों प्राथमिक प्रेरणा जो जन्मजात होते हैं, जो हमारे प्रकृति द्वारा प्रदत्त होती है, जैसे सुख दुख, प्राथमिक प्रेरणा में जैसे कि हमारा भूख प्यास एंड सेक्सुअल एंड पैशन, ये सब है आपके प्राथमिक प्रेरणा। तो यहाँ पे ये तीनों प्राथमिक प्रेरणा है जबकि तीसरा जो है ये बाह्य प्रेरणा है। नेक्स्ट है संस्थापित क्लासिकल अनुकूलन की प्रक्रियाएं हैं। तो यह आपका नॉर्मलाइजेशन यानी सामान्यीकरण भी है, विभेदीकरण यानी डिफ्रेंसिएशन भी है, विलोपन यानी डिलेशन भी है। तो ये पूरा सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा के छात्रों को मनोविज्ञान की शिक्षा दी जाती है क्यों, कि यह क्वेश्चन UPSC 2021 में आया था। तो ये कन्फ्यूजन वाला है, इसमें कार्यक्षमता में वृद्धि होती है कि इसका संबंध व्यवहार से है। तो इसका
जो सही ऑप्शन था वो आयोग के द्वारा दिया गया था कि इसका संबंध व्यवहार से है। ठीक है, सारी शिक्षा के छात्रों को वन विज्ञान की शिक्षा दी जाती है क्योंकि यह इसका संबंध जो है वह व्यवहार से है। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक की जांच में प्रतिमान यानी कि मॉडल को परिभाषित किया जाता है। तो मनोवैज्ञानिक जांच में मॉडल को टीम का औसत निष्पादन के रूप में, एवरेज परफॉर्मेंस के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है दाब यानी स्ट्रेस का कौन सा स्तर खिलाड़ियों के निष्पादन यानी परफॉर्मेंस में वृद्धि करता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना देने वाली बात है, यहाँ बहुत लोगों का आंसर मॉडरेट की तरफ गया होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे सही ऑप्शन है अनुकूलतम यानी ऑप्टिमम होना चाहिए, न ज्यादा न कम, न ज्यादा न कम स्ट्रेस यानी चिंता का। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञानों की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। सबसे पहले आपको जाना है कि गेस्टाल्टवादी के जनक हैं वर्दिमर, और सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था कोहलर ने, लेकिन गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान की स्थापना किसने की थी। तो इन सभी ने मिलकर किया था, वर्दिमर, कोपका, कोहलर, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी है। सही हो जाएगा, जब जनक पूछेगा गेस्टाल्टवाद का तो वर्दिमर होगा। सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है, तो कोहलर ने चिंपैंजी पर प्रयोग करके। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी में प्रयोजनवादी संप्रदाय हॉर्मिक स्कूल की स्थापना निम्न में से किसने किया था। तो इसकी हॉर्मिक स्कूल की स्थापना किया था 20वीं शताब्दी में प्रयोजनवादी संप्रदाय की स्थापना विलियम मैकडूगल ने। नेक्स्ट है प्रशिक्षण चक्र का समय 5 से 10 दिन का होता है, यह कौन सा चक्र होता है। तो दोस्तों यह माइक्रो चक्र सबसे सूक्ष्म चक्र होता है, जैसे कि ट्रेनिंग साइकिल के 3 चक्र हैं, मैक्रो चक्र, मीजो चक्र, माइक्रो चक्र। माइक्रो चक्र को ट्रेनिंग योजना भी कहा जाता है, यह 3 से 12 महीने का होता है, सबसे बड़ा ट्रेनिंग चक्र होता है। और दूसरा होता है मीजो चक्र, 3 से 6 सप्ताह का होता है। इसको अवसन चक्र भी बोला जाता है, मध्यम चक्र भी बोला जाता है। तीसरा होता है माइक्रो चक्र, जो 3 से 10 दिन या 1 सप्ताह का होता है, यह सबसे सूक्ष्म चक्र माइक्रो चक्र बोला जाता है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान की परिभाषा जीवित वस्तुओं के व्यवहार के विधायक विज्ञान के रूप में निम्नलिखित में से किसने दी थी। तो इस परिभाषा को दिया था विलियम जेम्स ने। नेक्स्ट है कि वाटसन से पूर्व में मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से क्या थी। तो दोस्तों सबसे पहले मनोविज्ञान में आत्मा आया, फिर मन आया, फिर चेतना आया, फिर व्यवहार आया। तो वाटसन को व्यवहारवाद का जनक बोला जाता है। तो वाटसन से पहले क्या था, चेतना, तब व्यवहार आया। तो यहाँ पे चेतना आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के इतिहास में सबसे पहली पाठ्य पुस्तक किसने लिखी है। दोस्तों तो विलियम जेम्स ने लिखी है पहली पाठ्य पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट है 20वीं शताब्दी में प्रतिबद्ध अनुक्रिया कमिटेड रिस्पॉन्स पर किस मनोवैज्ञानिक ने महत्वपूर्ण अनुसंधान या रिसर्च किया है। तो इसको किया है क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, कंडीशन थ्योरी, कमिटेड रिस्पांस थ्योरी को बताया है पावलाव ने, कुत्ते पर प्रयोग करके। जैसा कि इसका स्टोरी आपने देखा होगा कैसे कैसे प्रयोग किया है इन्होंने, कुत्ते को रख दिया एक बॉक्स में एक जगह, उन्होंने उसने भोजन दिखाया, तो भोजन के जो क्लासिकल प्राकृतिक उद्दीपक उन्होंने दिखाया, भोजन उसके रिएक्शन में प्रतिक्रिया के फलस्वरूप कुत्ते के मुख से लार निकलता है, यानी स्वाभाविक अनुक्रिया होता है। फिर उन्होंने भोजन के साथ साथ घंटी बजाई, एक अस्वाभाविक उद्दीपक दिया, और जैसे जैसे घंटी बजता कुत्ते का जो अनुक्रिया होता है उस घंटी की तरफ हो जाता है। तब पारा ने देखा कि अब केवल घंटी बजाकर देखते हैं, भोजन को नहीं देते हैं, तो उन्होंने केवल घंटी बजाया, तो देखा कि जो अस्वाभाविक उद्दीपक है घंटी, उसके प्रति उसकी अनुक्रिया हो गई,
वो कुत्ते के मन में बस गया कि घंटी बजा मतलब भोजन भोजन मिलेगा, तो वो अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया का अनुबंधन हो गया। इसी को पौला ने लर्निंग कहा। तो यहाँ पे पौला का यह नियम था। नेक्स्ट दोस्तों, जर्मनी में मनोविज्ञान की विश्व प्रसिद्ध पहली मनोविज्ञान शाला निम्न में से किसने स्थापित किया? तो दोस्तों, जर्मनी में मनोविज्ञान, जर्मनी के लीपजिग शहर में 1879 ईस्वी में विलियम उंट ने सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई। नेक्स्ट, शारीरिक शिक्षा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालती है बल्कि शारीरिक शिक्षा मानसिक चुस्ती, परिश्रम, दल भावना, नेतृत्व, नियम का अनुकरण, विजय और पराजय में संभव उच्च श्रेणी के गुणों के विकास में सहायता करती है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा है कोठारी आयोग 1964-66 की। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है। इस विकास के प्रमुख चार क्षेत्र कौन से हैं? तो इसके चार क्षेत्र हैं स्वास्थ्य, चरित्र निर्माण, नागरिकता और मनोरंजन। स्वास्थ्य, चरित्र निर्माण, नागरिकता और मनोरंजन, ये शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना है। इसके प्रमुख चार क्षेत्र हैं स्वास्थ्य, चरित्र निर्माण, नागरिकता और मनोरंजन। और दोस्तों, स्वास्थ्य के आयाम पूछेगा तो स्वास्थ्य के चार आयाम है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक। नेक्स्ट है कि अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत, सरप्लस एनर्जी थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको दिया था हर्बर्ट स्पेंसर और सीलर ने। नेक्स्ट है मनोरंजन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिक्रिएशन का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसको किया था लॉर्ड केम्प्स और जीटीडब्ल्यू पैट्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वाभ्यास का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों, पूर्वाभ्यास जिसे भविष्यदर्शी धारा, पूर्व अनुमानित धारा भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे एंटीसिपेटरी थ्योरी या प्री एक्सरसाइज थ्योरी भी कहा जाता है, तो इस सिद्धांत को दिया है कार्ल ग्रूस ने। नेक्स्ट है पुनः स्मरण का सिद्धांत, यानी कि पूर्व के अनुभवों को पुनः अनुभव करना, पुनः अवलोकन धारा या पुनर्कथन की धारा या पुनरावृत्ति की धारा, इसको कहते हैं इंग्लिश में रिकैपिटुलेटरी थ्योरी। इसको दिए हैं स्टेनली हॉल ने, इस सिद्धांत को दिए हैं स्टेनली हॉल ने। नेक्स्ट दोस्तों, शुद्धिकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो जो कैथेटिक थ्योरी है, विरेचन की धारा, यानी कि रेचन विरेचन धारा, मनोभावों का धारा, उसको शुद्धिकरण की धारा भी कहते हैं। इसके प्रवर्तक हैं अरस्तु। नेक्स्ट है मेडवेदेव वैज्ञानिक ने 1979 में खेल प्रशिक्षण के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे? तो इन्होंने 1979 में मेडवेदेव ने 6 खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। नेक्स्ट, डिक ने 1979 में खेल प्रशिक्षण के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए थे? तो इन्होंने किया था 3। नेक्स्ट है खेल प्रशिक्षण 1979 के 3 सिद्धांतों को किसने प्रतिपादित किया था? तो डिक ने किया था। नेक्स्ट, डिक ने खेल प्रशिक्षण के 3 सिद्धांतों को कौन से सन में प्रतिपादित किया था? तो 1979 में किया था। उसी क्वेश्चन को 3 बार घुमा के पूछा। नेक्स्ट, किसी भी खिलाड़ी की खेल प्रशिक्षण बिना किसी अवकाश या अंतराल के पूरी वर्ष या लगातार चलती रहनी चाहिए, तो यह सिद्धांत क्या कहलाता है? दोस्तों, कोई गैप नहीं है, लगातार हो रहा है, तो यह सिद्धांत लगातारता का सिद्धांत में आ जाएगा। खेल प्रशिक्षक के सिद्धांत में लगातारता के सिद्धांत के अंतर्गत यह आ जाएगा।
नेक्स्ट है, खेल प्रशिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है जो एक महीने भर वर्ष से वर्ष तक लगातार की जाती है। यह कौन से सिद्धांत कहलाता है? तो यह भी सिद्धांत आपका कहलाएगा लगातारता का सिद्धांत, जहां पे कोई गैपिंग ही नहीं है। नेक्स्ट है, दो प्रशिक्षण कालों के मध्य अंतराल न तो बहुत अधिक हो और न ही बहुत कम हो, तो यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो दोस्तों, यह सिद्धांत ऑप्टिमल लोड के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिमल लोड दिया नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा कोई गैपिंग नहीं है, न बहुत कम है न ज्यादा है, यहाँ पे लगातारता का सिद्धांत भी यह भी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कि खिलाड़ी के प्रदर्शन में सुधार के लिए क्रम में प्रशिक्षण भार को बढ़ाना चाहिए, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो दोस्तों, जितना आप नॉर्मल बच्चे को या जिसको आप कोचिंग दे रहे हैं, जितना नॉर्मल स्थिति में दे रहे हैं, उसके भार को उसे थोड़ा बढ़ाते रहने से खिलाड़ी के परफॉर्मेंस में वृद्धि होती है। बिना भार प्रशिक्षण के खिलाड़ी के परफॉर्मेंस को बढ़ाना असंभव है, तो यह भार प्रगतिशीलता का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? भार प्रगतिशीलता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाशियोर्कर तथा मरासमस नामक रोग बच्चे में किसकी कमी से पैदा होते हैं? दोस्तों, तो ये सबको पता है आप सबको, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर्कर और मरासमस रोग हो जाता है, हाथ पैर विलीन हो जाते हैं, एकदम आपके शरीर के जो उत्तक मांसपेशियां होती है सूखने लगती हैं क्वाशियोर्कर और मरासमस में। नेक्स्ट, वसा के पाचन में अनियमितता होने पर कौन सा रोग हो जाता है? दोस्तों, तो इसमें मरासमस, क्वाशियोर्कर, ये प्रोटीन की कमी से होता है, बेरी बेरी विटामिन बी वन की कमी से होता है। तो वसा के पाचन में अनियमितता होने पर कौन सा रोग हो जाता है? कीटोसिस। कौन सा रोग हो जाता है? कीटोसिस। नेक्स्ट है, पर्वतारोही व्यक्तियों के भोजन में सर्वाधिक आवश्यकता निम्न की होती है? तो पर्वतारोही, जितना आप अधिक समय तक क्रिया आवश्यक समय इंडोरेंस की जरूरत पड़ेगी, उसमें आपका कार्बोहाइड्रेट वेस्ट होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वेस्ट होगा। जब बॉडी बिल्डिंग की बात आएगी तो वहां पे प्रोटीन होगा, ये ध्यान में रखिएगा, और सभी क्रियाओं में कार्बोहाइड्रेट ही वेस्ट होगा, क्योंकि यह तुरंत एनर्जी प्रदान देती है, तुरंत एनर्जी देती है, इंस्टेंट एनर्जी सोर्स बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट को। जबकि सबसे ज्यादा एनर्जी देता है 1 ग्राम में वसा 9.1 कैलोरी, जबकि 1 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन देता है 4.1 कैलोरी। लेकिन वसा जो है 9.1 कैलोरी 1 ग्राम में देता है जरूर है, बट उसको ऊर्जा में कन्वर्ट होने में बहुत समय 6-7 घंटे लग जाता है। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, हम अपने भोजन में 60-65% यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट की, और 10-15% को प्रोटीन की, 20-25-30% वसा की डेली बेसिस पे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है, दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? तो दूध में 4% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में किसमें होती है? वैसे दोस्तों, चावल गेहूं में होती है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, सबसे ज्यादा गेहूं में पाया जाता है, लेकिन इस ऑप्शन में आपका हो जाएगा गुड़। गुड़ में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है इन चारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है? तो ये क्वेश्चन हर बार रिपीट हो चुका है, आप सबको पता है 4.1 कैलोरी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम प्रोटीन से भी 4.1 कैलोरी ही मिलती है, 1 ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी मिलती है। नेक्स्ट है, ओबेसिटी नामक यानी मोटापा नामक बीमारी किसकी अधिक मात्रा लेने से होती है? तो वसा की मात्रा अधिक लेने से होती है। तो दोस्तों, ये था आपका 50 MCQ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों था। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में बताइए, सभी डाउट को क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।